राजस्थान में देर रात एक बड़ा रेल हादसा हुआ। अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास एक सुपरफास्ट ट्रेन के 4 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। हादसे के समय ट्रेन में हजारों की संख्या में पैसेंजर मौजूद थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हादसा रविवार देर रात करीब 1 बजे हुआ। दोनों ट्रेनों के टक्कर के दौरान ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को भी जबरदस्त झटका लगा। आपको बता दें कि साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन और मालगाड़ी के बीच देर रात टक्कर हो गई। इस टक्कर की वजह से साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन समेत 4 कोच डिरेल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय ट्रेन में हजारों की संख्या में पैसेंजर मौजूद थे। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं। आपको बता दें कि रात 3 बजे ट्रेन को अजमेर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल RPF, सरकारी रेलवे पुलिस GRP के साथ अतिरिक्त रेलवे मंडल प्रबंधक ADRM और वरिष्ठ अधिकारी सहित बचाव दल मौके पर पहुंचे। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कारण के बारे में ठीक से बताना उचित नहीं होगा, लेकिन ये अवश्य है कि गाड़ी जो ये सवारी गाड़ी है, ये जो मालगाड़ी जा रही थी बाईपास लाइन से, उससे टकराई है और टकराने के बाद इस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ है। जांच इसकी रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं वो करेंगे, जो SAG लेवल अधिकारी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल अधिकारी होते हैं, वो करेंगे इसकी जांच। जांच में सभी पहलू दुर्घटना के उनके ऊपर पूरा बयान होगा, साक्ष्य देखे जाएंगे, सब साइड कंडीशंस देखी जाएंगी, सभी लोगों से, जितने लोग जो यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले हैं, गार्ड साहब हैं, गाड़ी में चलने वाले जो हमारे स्टाफ हैं, उन सब से बातचीत होगी, पैसेंजर से बातचीत भी होगी, तो पूरा एक काफ़ी बड़ा एक बड़े स्तर पे इंक्वायरी होती है और उसके बाद निकल के आएगा। हादसा देर रात करीब 1 बजे हुआ। रात 3 बजे ट्रेन के सुरक्षित डिब्बों को अजमेर जंक्शन की ओर रवाना किया गया और वहीं क्षतिग्रस्त डिब्बों को पटरी से हटाया गया। इस ट्रेन हादसे की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही भी रद्द करनी पड़ी। रेलवे द्वारा अजमेर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन नंबर 01452429642 जारी किए गए हैं। हादसे के कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व भी इसी स्थान के निकट एक रेल हादसा हुआ था। देखिए अजमेर से संवाददाता BL सरोज और हितेश बालम की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज और मैं हूं आपके साथ BL सरोज। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से आ रही है, जहां आपको बता दें कि साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई है। देर रात के बाद हुआ ये हादसा। हालांकि रेलवे प्रशासन ने अभी किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं दी है। साथ ही रेलवे प्रशासन ने कहा है कि कोई जनहानि नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि मालगाड़ी और साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस में ये भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 डिब्बे रेल पटरी से उतर गए हैं। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जहाँ से आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि देर रात के बाद हुए इस हादसे ने रेलवे की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल का निशान खड़ा कर दिया है कि आखिरकार 2 ट्रेनें एक ट्रैक पे कैसे आई। फिलहाल ये जांच का विषय है और रेलवे ने जांच के आदेश भी दे दिए। देखना होगा कि जांच में निकलकर क्या होता है, लेकिन फिलहाल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि साबरमती का आगरा कैंट एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर हुई है और जिसके चलते 4 डब्बे 4 बोगियां जो है रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गई है। सहायता जारी है, लगातार प्रशासन जुटा हुआ है और ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।